अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग सब खैर खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के फजल व करम से हम भी बिल्कुल ठीक हैं। आप जाने खुश और आबाद रहें। अल्लाह पाक आप सबको ढेर सारी खुशियाँ दे, अपनी फैमिली में हंसता मुस्कुराता रखे। तो इसी नेक दुआ के साथ वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आप लोगों से छोटी सी रिक्वेस्ट होती है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो प्यारे रोज़, अभी हम बाहर आए हुए हैं तो यहाँ हमारी लकड़ियाँ थी ना, हमारी नहीं, हमारी हमसायों की लकड़ियाँ थी, वो ख़त्म हो गई हैं और उन्होंने काट के रखी हैं। माशाल्लाह से काफ़ी अच्छे जानवर आए हुए हैं यहाँ चारा खाने के लिए। तो यहाँ फिर पता नहीं गंदम भी जाएंगे या कुछ ना कुछ तो भी जाएंगे। लकड़ियाँ मैंने बना के सुबह को रखी थी, सुबह को, तो अभी मैं उठाती हूँ और चलती हूँ। अस्सलाम वालेकुम प्यारी बस, उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं बिल्कुल ठीक हूँ। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तब प्यारी बस, आप देख सकते हैं यहाँ से काफ़ी सारे जानवर आए हुए हैं, बहुत ही अच्छे जानवर हैं, गल में हार भी पहने हुए हैं। तब प्यारे बस, आप देख सकते हैं गाँव के साथ एक छोटा सा बिछड़ा भी है, तो वो दूर जो खड़े वहाँ भेड़ें भी आई हैं। मुझे बकरियाँ और भेड़िया का बहुत शौक है, जानवर का बहुत शौक है, तो काश हमारी भी होती। तो कुछ नहीं होता, तो कभी अल्लाह ताला फुर्सत देगा तो ले लेंगे। तो अभी चलती हूँ किचन में, मैं इंतज़ार कर रही हूँ कि तो हम किचन में पहुँच चुके हैं और सारा सामान भी मैंने निकाल के रख दिया है। और ये देखें, आज शुएब ना गोभी लेकर आया है। काफ़ी ऐसा तो हो गया था, हमने गोभी भी नहीं बनाई थी, तो ये तो सर्दियों में भी बहुत ज़्यादा बनाई जाती है, अब सर्दियों की जो सब्ज़ी है ना, इसलिए तो आज आलू और गोभी बनाएंगे। साथ में आलू भी लेकर आया था, टमाटर भी। जब ये शुरू से गोभी आई थी ना, फातिमा तो ऐसे हैरान होकर देख रही थी कि इसमें कुछ है तो नहीं, मगर है साफ बिल्कुल। ये देखें, मेरा मतलब कि इसमें जरा सीम तो नहीं है, बिल्कुल भी साफ गोभी है, कुछ भी नहीं है। कभी कभी ना जब गोभी आती है ना तो वो बहुत ज़्यादा ख़राब होती है, आज तो बिल्कुल साफ लेकर आया था। तो गोभी मैंने काट के रख दी है, अब मैं आलू काट रही हूँ। इसके छिलके उतार के फिर आलू काट के फिर सालन बनाते हैं। तक हमारे मसाले को भी तड़का लग चुका है और मैं गोभी धोती हूँ, इसको धो के मैं फिर डालूंगी। तो जैसे ही गोभी आधी गल जाएगी तो फिर इसमें हम आलू डालेंगे। आलू ना मैं धो के रख देती हूँ। तो गोभी हमारी आधी गल गई है, अब इसमें मैं आलू डाल देती हूँ। आलू तो जल्दी गल जाते हैं ना। तो आप देख सकते हैं, बस सालन भी तैयार होने वाला है। तो अभी मैंने इसको ना हल्की आंच पे
रख दिया है, ऊपर से खड़ा दिया है ताकि क्योंकि आग ज़्यादा नहीं जलाएंगे, और शाम भी होने वाली है और मैंने तंदूरी भी वहाँ गर्म कर रही हूँ। अब वहाँ रोटियाँ लगाएंगे। तो हमारा हल्की आंच पे सालन भी तैयार हो जाएगा और तंदूरी भी गर्म हो गई है। अब रोटियाँ भी लगा लेती हूँ। जैसे ही हमारा रोटियाँ लगा लेंगे तो सालन भी बन जाएगा। तो पहले तो हम तवे पे रोटियाँ बनाती थी, तो आज काफ़ी शाम हो गई थी और लेट हो गए थे, तो मैंने सोचा और भी ज़्यादा अंधेरा हो जाएगा, तो इसलिए मैंने जल्दी जल्दी तंदूरी गर्म कर ली है। तो अभी तंदूरी पे रोटियाँ लगा लेती हूँ। दवाई ली थी उसने, खुश रहे, आबाद रहे। तो पहले बार अम्मी ने शाम का खाना बना लिया है और अभी शाम भी हो गई है। माशाल्लाह से गोभी बहुत ही मज़ेदार बनी है। हाँ, बहुत ही मज़ेदार बनी है माशाल्लाह से। वैसे ये सर्दियों की सब्जी है ना, इसलिए। तो बच्चे खाना खा रहे हैं, तो वीडियो का भी एंड करते हैं। तो वीडियो के आखिर में मैं अपने तमाम प्यारे बहन भाइयों के लिए भी बहुत ज़्यादा दुआ करती हूँ। अल्लाह पाक आप सबको ढेर सारी खुशियाँ दे, अपनी फैमिली में हंसता मुस्कुराता रखे, जो दुख तकलीफ़ में हैं अल्लाह ताला उनसे भी निजात दे, और बड़ों का साया हमेशा आप लोगों पर कायम रखे। इंशाल्लाह हम अच्छे वीडियो के साथ फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़।